डीडीए ने दिल्ली के तेजी से होते विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। 1968 में डीडीए ने दिल्ली में मकान बनाने का काम शुरू किया और तब से लेकर अब तक कई हाउसिंग स्कीमें लॉन्च की जा चुकी हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की क्षमता और जरूरत के अनुसार ही डीडीए घरों का निर्माण कर रहा है। डीडीए द्वारा विभिन्न श्रेणियों के मकान बनाए जाते हैं, जिनमें EWS, LIG, MIG और HIG जैसे SFS फ्लैट्स शामिल है। इनमें से 60% मकान समाज के निम्न वर्ग के लोगों के लिए बनाए जाते हैं। यही नहीं, आवास की जरूरतों को कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के उद्देश्य से जमीन मुहैया कराकर भी पूरा किया जाता है। डीडीए अभी तक 11 लाख से ज्यादा आवास इकाइयों का निर्माण कर चुका है। अगर ये माना जाए कि 5 लोग एक मकान में रहते हैं, तो दिल्ली की आधी आबादी या तो डीडीए द्वारा बनाए गए मकानों या फिर उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई विकसित भूमि पर बने मकानों में रहती है। इतने सालों के सफर में डीडीए ने न केवल दिल्ली के विकास की योजना बनाई बल्कि उसे प्रभावी तरीके से लागू भी किया है। साथ ही दिल्ली की आधी आबादी को घर भी मुहैया कराया है। सिलसिला अभी जारी है और साल दर साल डीडीए दिल्ली में लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करने में लगा है।